Hey guys, welcome to my Jenny Skin Care YouTube channel. आज हम आपको ओट्स के बने कुछ ऐसे ही फेस पैक बताएंगे जिनका उपयोग करके आप ग्लोइंग और बेदाग स्किन पा सकते हैं। वो चेहरे को एक्सप्लोटिंग, क्लींजिंग और मॉइस्चराइजिंग करके सर्दियों में होने वाली परेशानियों को दूर करने में मदद करती है। एक कटोरी में 4 स्पून ओट्स लीजिए और फिर ओट्स को पानी में उबालकर ठंडे होने के लिए रख दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और जितनी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है उतना ही हमारे स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है। ऐसे बने फेस पैक को इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को हमेशा के लिए यंग बनाए रख सकती है। इसमें मौजूद एक्सप्लोइटिंग, क्लींजिंग और मॉइस्चराइजिंग स्किन आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत और मुलायम बना देती है। ओट्स आपको ना केवल हेल्दी रखने में मदद करती है बल्कि अपनी स्किन के लिए भी अद्भुत होता है। ओट्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण स्किन को फिर से जीवित करने में मदद करती है। एक कटोरे में 2 स्पून ओट्स लीजिए और फिर उसमें 1 स्पून योगर्ट मिक्स कर लीजिए। ओट्स और दही का फेस पैक आपकी स्किन को ना सिर्फ निखार देगा बल्कि उसकी गंदगी भी दूर करेगा। दही में लैक्टिक एसिड के अलावा जिंक और कोई मिनरल मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। ये सभी मिलकर आपको पिंपल्स से लेकर दाग धब्बे और झुर्रियां जैसे कोई परेशानी से छुटकारा दिलाते हैं। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर करने में भी मदद करती है और आपके स्किन सॉफ्ट बनाती है। डार्क सर्कल से छुटकारा पाने के लिए दही काफ़ी असरदार होता है। ये एक बेहतरीन आई क्रीम साबित हो सकता है। सोने से पहले रात में इसे अंडर आई एरिया और डार्क सर्कल पर अच्छी तरह लगाए सूखने पर धो लीजिए। ये स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद सबसे पहले आप अपने चेहरे और गर्दन को गुनगुने पानी से धो लें और इसे सूखने दें। अपने चेहरे और गर्दन पर मिश्रण को लगाएं, इसे 20 मिनट तक रहने दें। बाद में आप मास्क को सर्कल मोशन पर स्क्रबिंग करके गुनगुने पानी से धो लीजिए। ये स्क्रबिंग या फेस पैक आप हफ्ते में एक बार ज़रूर कीजिएगा। ये फेस पैक आपकी स्किन को टाइटनिंग, ब्राइटनिंग और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरे वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब